डायमेंशन एनालिसिस के इस सेकंड वीडियो में हम लोग आज क्रिएट करेंगे रिलेशनशिप किसके बीच में, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। गाइस केवल हमें ये पता होना चाहिए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है, और अगर हमें ये डिपेंडेंसी पता चल जाए तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। सो ये गाइस आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना होगा। तो गाइस हम लोग ये मान लेते हैं कि चूंकि हमें पता है कि जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है, तो आपने पढ़ा होगा कि फोर्स इस बात पे डिपेंड करता है कि उस बॉडी का मास कितना है और उस बॉडी का एक्सीलरेशन कितना है। तो फोर्स और एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है हमारा, फोर्स मास और एक्सीलरेशन पे। तो फोर्स डिपेंड अपॉन मास एंड फोर्स डिपेंड अपॉन एक्सीलरेशन। अब आपको पीछे का वीडियो अगर याद आ रहा हो तो वहाँ हम लोगों ने बात किया था कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के जो डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं उनकी पावर रेस कर दी जाती हैं। तो हम मान लेते हैं वो इसकी पावर एक्स और इसकी पावर वाई पर डिपेंड करेगा। अब इन दोनों को अगर हम मिला दें इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, तो आप देखें क्या निकल के आएगा। एफ डायरेक्टली प्रपोर्शनल एम टू द पावर एक्स और ए टू द पावर वाई। डायरेक्टली प्रपोर्शनल आएंगे तो के आ जाएगा, एम टू द पावर एक्स और ए टू द पावर गाइज वाई हो जाएगा। इस स्टेप तक जब आप पहुंच जाते हैं उसके बाद गाइज आपको लिखने होते हैं फॉर्मूले। सो गाइज सबसे पहला हमें इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, एम एल टी टू द पावर माइनस टू। यहाँ पर के का जो डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं। एम टू द पावर एक्स, अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि गाइज मैं मार्कर ले लेता हूँ, एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला आपका निकल गया है डायमेंशनल फॉर्मूला। सो गाइज हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एक्सीलरेशन इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन आपने पढ़ा है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का आपको याद होना चाहिए एल टी टू द पावर माइनस वन और टाइम का अपॉन में टी। सो गाइज ये क्या बन जाता है, एल टी टू द पावर माइनस टू। तो यहाँ हम क्या लिख दे रहे हैं, एल टी टू द पावर माइनस टू और ये वाई लगा दिया। अभी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स और वाई का, तो ये क्या बना रहेगा, एम एल टी टू द पावर माइनस टू। ये बन जाएगा एम टू द पावर एक्स एल टू द पावर वाई टी टू द पावर माइनस टू वाई। इन दोनों को मैं एक साथ मिला दूं तो क्या बन जाएगा बच्चों, एम एल टी टू द पावर माइनस टू और यहाँ क्या हो जाएगा, एम टू द पावर एक्स एल टू द पावर वाई और टी टू द पावर माइनस टू वाई। अब इस स्टेप में जब आप पहुंच जाएंगे तो आपको दोनों साइड का कंपेयर करना होगा। तो यहाँ m की पावर x है और यहाँ m की पावर 1 है, दैट मीन्स हमें x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1। यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ l की पावर, देखें यहाँ l की पावर y और यहाँ l की पावर 1, दैट मीन्स y की वैल्यू भी 1 मिल गई। अब आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और उसको पिक कर लीजिए, तो हम लोग बाई इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं तो क्या बनता है, एफ इक्वल्स टू, या इसको 1 मान लीजिए आप इसको, तो k और बनता है m टू द पावर a और a टू द पावर y। x और y की अगर वैल्यू पुट कर दें तो m टू द पावर 1 a टू द पावर n। ब्राई जब बहुत साइंटिस्ट ने MKS यूनिट में इसकी डायमेंशंस ली किलोग्राम में और ये मीटर सेकंड में, तो k की वैल्यू 1 मिली और फॉर्मूला क्या निकल आया गाइज, f इज इक्वल टू द m a। सो गाइज ये बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही छोटा सा हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया है, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं होगा। हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और कई सारे फॉर्मूलों को अभी जनरेट करेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए सो सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि जब कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही होती है, चूंकि अभी आपने ऑसिलेशन पढ़ा नहीं है, वो आपके यहाँ अभी आया नहीं है पर आगे आएगा, तो मैं आज ही बता देता हूँ क्या होता है। आप किसी एक बॉडी को ऐसे लटका देते हैं किसी धागे से, फिर आप उसको हाथ मार दें, वो इधर जाए फिर इधर आए और फिर बीच में आ जाए, तो आप कहेंगे एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। एक ऑसिलेशन इसी को बोलते हैं बच्चों, याद रखेंगे। अभी वैसे भी आपको फिजिक्स में आगे के चैप्टर में पढ़ना ही पड़ेगा। तो गाइज अगर एक मास बॉडी है और इसकी लंबाई स्मॉल एल मान ली और इसका वेट मान लिया एम, आपने इसको एक बार उधर से किया फिर इधर आया फिर बीच में आ गया, इतना होने में जो हुआ है यह सब पूरा सिस्टम, इसको हम बोलेंगे एक ऑसिलेशन हो गया। और इसको कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैपिटल टी। सो हम लोग गाइस टाइम पीरियड के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं।
तो देखिए कैसे ड्राइव करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है गाइस। सो टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉब स्मॉल m, इसको गाइस बॉब बोलते जो गेंद जैसा लटकाया गया छोटा सा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो डोरी है उसकी लंबाई l, स्ट्रिंग l एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। सो गाइस तीन चीजों पे डिपेंड करता है हमारा, ध्यान दीजिएगा, जो टाइम पीरियड है वो तीन बातों पे डिपेंड करता है, इस बॉब के मास पे, इस धागे की लंबाई एल पर, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर। देखिए कितना मस्त सा भी, मतलब मुझे पता ही नहीं क्या फॉर्मूला है टी का, कुछ भी नहीं पता है, केवल ये पता है कि हाँ हो सकता है इस चीज पे डिपेंड करता हो। क्या जादू है, आपको कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं आता हो, तरीका सीखिए कितना सा मजेदार तरीका है। तो हम मान लेते हैं कि टाइम पीरियड टी मास की पावर एक्स पर, स्ट्रिंग की लेंथ पे पावर वाई पर, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर सी पर डिपेंड करता है। तो इन तीनों को एक साथ मिला दिया, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बनेगा, एम एक्स एल वाई, और जी की पावर यहाँ पर जेड लिख देते हैं, जेड। अब यहाँ पर जो पावर रेस की गई एक्स वाई जेड के बजाय ए बी सी भी यूज कर सकते हैं, कभी कभी भ्रम हो जाता है, तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा देता हूँ और के लगा देता हूँ, एम टू द पावर एक्स, एल टू द पावर वाई, एंड जी टू द पावर जेड, ये बन गया। अब हम इनके डायमेंशनल फॉर्मूले बच्चों लिखने जा रहे हैं सबके, ये अगला स्टेप होता है। पहला स्टेप क्या होता है, सबकी पावर लगा देनी होती है, जिसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं उसको इधर लिखते हैं और बाकी को इधर लिखते हैं, एक साथ मिलाते हैं और इक्वल लगाने के लिए के लगा देते हैं। फिर अगला स्टेप क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना। सो देखिए टाइम जो है वो टाइम का गाइज होगा एम जीरो, एल जीरो और टी, के का कुछ नहीं होगा, ये मास है तो एम होगा, इसकी पावर एक्स, ये लेंथ है तो इसका एल होगा, पावर वाई, और देखिए ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन का भी हम लोगों ने देखा एल टी टू द पावर माइनस टू, वहाँ पर भी एल टी टू द पावर माइनस टू था, यहाँ पर भी एल टी टू द पावर माइनस टू ही होगा, पावर जेड हो गया। अभी देखें बच्चों क्या बन गया, एम टू द पावर जीरो, एल टू द पावर जीरो टी, यहाँ क्या हो गया एम टू द पावर एक्स, एल टू द पावर वाई, और यहाँ क्या हो गया एल टू द पावर जेड, और टी टू द पावर माइनस टू जेड। अब आप इसको अगर देखें तो यहाँ पर एल की पावर जो है वो इनटू में है तो ऐड हो जाएंगी प्रोडक्ट करने पर, एक्सपोनेंटियल के रूल्स के अकॉर्डिंग, एम जीरो एल जीरो टी, एम टू द पावर एक्स, एल टू द पावर एक्स प्लस वाई, एंड टी टू द पावर माइनस टू जेड। अब क्या करना है, अगला स्टेप कंपेयर करना है बस, तो अगर आप कंपेयर कर देते हैं बस आपको आंसर मिल जाता है। ऑन कंपेयरिंग, अगर कंपेयर करें तो यहाँ m टू द पावर x है और यहाँ m टू द पावर गाइस जीरो है, दैट मीन्स x की वैल्यू हो गई जीरो। यहाँ हम देखते हैं x प्लस y इज इक्वल टू भी जीरो है, सो गाइस यहाँ पर हम देखें तो फॉर्मूला जो हमारा निकल के आएगा l टू द पावर, हमें क्या लिखना होगा x प्लस y, और यहाँ देखें आप तो l की पावर क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है। अब हमें z की वैल्यू निकालनी होगी केवल गाइस, गाइज में यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करने होंगे, यहाँ पे y प्लस जेड हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो यहाँ पर मैं इसको y प्लस जेड कर दे रहा हूँ, दैट मीन्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस जेड। अभी ये वैल्यू रुक गई है, और t टू द पावर आप देखें तो माइनस का टू जेड, और यहाँ पर t टू द पावर देखें तो वन है, सो जेड की वैल्यू जो मिल जाएगी वो माइनस की वन बाई टू हो जाएगी। अब इस वैल्यू को उठा के अगर हम यहाँ पुट कर दें, सो y इज इक्वल टू माइनस माइनस वन बाई टू, y इज इक्वल टू प्लस का वन बाई टू। सो बच्चों यहाँ y और z की वैल्यू हमें मिल गई, z की वैल्यू माइनस वन बाई टू और y की वैल्यू प्लस वन बाई टू। सो इसका ये फर्स्ट सेक्शन था, ये इसका सेकंड सेक्शन था, और थर्ड सेक्शन को एज यूजुअल सो आदत सी पड़ी है मेरी उल्टा करने की, तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए इसको मैंने कहा था इक्वेशन आप मान लीजिएगा हरदम, इसको हम देख लेते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट देखें तो t टू डैट इक्वल्स टू k एम टू द पावर एक्स, एल टू द पावर वाई, एंड जी टू द पावर जेड, स्मॉल एल रख लें।
t इज इक्वल टू के एम टू द पावर जीरो एल टू द पावर y की वैल्यू बच्चों देखे क्या है, प्लस का 1/2, इसकी वैल्यू -1/2। सो गाइज यहाँ तो ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि किसी की पावर जीरो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब l टू द पावर 1/2 इसको माइनस का प्लस करने के लिए g टू द पावर 1/2, इनको अगर हम एक साथ लिख दें तो बन जाएगा l अपॉन g और दोनों का पावर 1/2। बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि पावर 1/2 होता है तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। अब बाय प्रैक्टिकल साइंटिस्ट ने खूब पता किया और उनको पता चला कि k की जगह में 2π आना चाहिए। ये इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको क्वेश्चन में एक तो गिवन होंगे अगर आएगा, और अगर गिवन नहीं है जब आपको दिया होगा कुछ तो आप पूरा फिजिक्स पढ़ चुके होंगे सो आपको आइडिया लग चुका होगा किस फॉर्मूले में क्या कांस्टेंट आता है, क्योंकि वही फॉर्मूले आपको मिलते हैं जो आपने फिजिक्स में पढ़ रखे हैं। सो गाइज अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो t इज इक्वल टू क्या बन जाता है, 2π अंडर रूट एल अपॉन जी। सो गाइज ये हमारा फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल अपॉन जी। ये फॉर्मूला गाइज हमने जनरेट कर लिया है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट कर लेकर के इसको नोट कर लीजिए गाइस, और फिर इसके बाद हम लोग आगे के इक्वेशन के बारे में बात करें। सो गाइस अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंट फॉर्मूले का रीजनरेशन करने जा रहे हैं। थोड़ा सा पहले आप उसको समझ लीजिए किसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सो गाइस अगर मान लीजिए कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल एम है, स्मॉल एम ऑब्जेक्ट है जो इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और ये किस वेलोसिटी से यहाँ मूव कर रहा है, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस पाथ पे, और इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। अब गाइस देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट गोल 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 घूम रहा होता है तो उसको सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस पर बच्चों डिपेंड कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द रेडियस ऑफ द पाथ। अब इसके लिए फॉर्मूला हमें बनाना है। सो देखिए कैसे फॉर्मूला निकलेगा बच्चों, ये डिपेंड कर रहा है मास पर, ये डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, और ये डिपेंड कर रहा है रेडियस पे। पावर लगा दे बच्चों ए बी और सी, ये लगा दिए। अब हम तीनों को एक साथ मिला दें तो क्या बन जाएगा, एज यूजुअल ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये लगा दिया। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आते हैं तो कोई ना कोई से कोई कांस्टेंट तो आएगा, इक्वल लगाएंगे तो चलिए बच्चों यहाँ के आ जाते हैं, एंट्री होती है के की, ये के भाई साहब जहाँ देखो बिन बुलाए आ जाते हैं भाई, चलिए आ गए तो कुछ तो रिस्पेक्ट देंगे। अब हम इनके डायमेंशनल फार्मूले लिखना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही आप डायमेंशनल फार्मूला नोट डाउन करेंगे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। सो गाइस एफ का पीछे भी हम बात कर चुके हैं क्या होता है, एम एल टी टू द पावर -2 होता है, यहाँ के का नहीं लिखेंगे मास का एम होगा, वेलोसिटी वी का भी हमने बात की थी क्या होता है, एल टी टू द पावर -1, और गाइस ये है रेडियस, और रेडियस जो होती है वो इस सर्कुलर पाथ की लेंथ है, और लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं बच्चों, एल यूज़ करते हैं, पावर सी हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए, एम एल टी टू द पावर -2, एम टू द पावर ए, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं टी टू द पावर -b, एल टू द पावर सी। गाइज यहाँ पे एक बात आपको समझ लेनी होगी कि आपको बस पावर्स का इंटू करना है। बच्चों अगर वीडियो में थोड़ी भी लग रही है आपके लिए मेहनत की जा रही है, और ये सही मेहनत है आपके लिए, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो आपके हेल्प के लिए कर रहा हूँ, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, जिससे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़िए, और जिससे मैं आपके लिए और मेहनत कर सकूँ आगे पॉजिटिव वे में। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हेट कमेंट्स करते हैं या डिसलाइक्स करते हैं, मैं मान सकता हूं कि आपको वीडियो नहीं पसंद आया होगा, या हो सकता है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में
पॉसिबली ना कैपेबल हो पाया हूँ। सो गाइज आप कर सकते हो डिसलाइक, इट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। यहाँ तो लोग प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति को और भगवान रामचंद्र जी से लेकर के पता नहीं किस किस के बारे में और क्या क्या बातें बोलते हैं, राक्षसों को अच्छा और ईश्वर को बुरा और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को गालियाँ देते हैं मुख्यमंत्री को। तो फिर तो मैं कुछ नहीं हूँ, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया में बोल सकते हैं, लाइक्स डिसलाइक का आपका अपना खुद का राइट है। लेकिन मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए बोलता हूँ। आप किसी के भी चैनल पे जाइए कि कोई भी ट्यूटर आपके लिए मेहनत कर रहा है, आप कोशिश करिए उसके लिए हेट कमेंट्स मत करिए, बुरे कमेंट्स मत करिए। आपको नहीं पसंद आया आप बिल्कुल मत देखिए उसके वीडियोज़ को, लेकिन अगर लग रहा है कि कोई आपके लिए खड़ा हो रहा है और आपके लिए मेहनत कर रहा है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता, अगर वो तो पैसा कमा ही रहे होंगे किसी साइड वे से, सो गाइज वो आपके लिए मेहनत कर रहा है, उसके भी परिवार है, उसके भी बीवी बच्चे हैं, माता पिता है, उनके खर्चों के लिए वो आपके लिए मेहनत कर रहा है। सो गाइज उनके बारे में सोचिए कि क्या आपका एक 10 मिनट का 15 मिनट का जो देखा हुआ वीडियो है, क्या वो आपको डिसलाइक करके उसके लिए हेट कमेंट्स करने चाहिए, क्या ये अच्छा है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता और मैं कभी नहीं करता हूँ। आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप दूसरा स्विच कर सकते हैं, दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, लेकिन मेरा तो रिक्वेस्ट यही रहता है कि आप सबके चैनल्स पर जाके उनको लाइक करिए अगर आपने क्लिक कर ही दिया है, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ वो आपके लिए मेहनत कर रहा है तो वीडियो को देख करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो गाइज फिर उल्टा चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कंपेयर करेंगे। एम टू द पावर ए है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर वन है, यहाँ पर टी टू द पावर माइनस बी है और यहाँ पर टी टू द पावर माइनस टू है, ये माइनस टू आ गया, कैंसिल हो गया, तो बी इज इक्वल टू वन आ गया। अब गाइज ए और बी सिर्फ दो ही वैल्यूज़ निकालनी थी, यहाँ पर सी वैल्यू हमारी नहीं थी तो कोई इक्वेशन की ज़रूरत नहीं, हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और फिर वापस लौटते हैं थर्ड स्टेप, जैसा एज यूजुअल पीछे करते हैं हम। तो थर्ड स्टेप में क्या लिखते हैं कि बाय इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एफ इक्वल्स टू के एम टू द पावर ए वी टू द पावर बी और आर टू द पावर सी। सो एफ इज इक्वल टू के और एम टू द पावर ए की वैल्यू है 1, V की वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू भी है, R की वैल्यू आप देखें C है, तो अभी C का वैल्यू हमारा नहीं निकल पाया है। L की पावर आप देखें B प्लस C है और यहाँ L की पावर 1 है। सो गाइस अगर आप देखें तो C की वैल्यू 1 माइनस बी या 1 माइनस टू, ये माइनस 1 आ जाती है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर और ये माइनस वन को प्लस वन करने के अपॉन, प्रैक्टिकल से ये पता चला कि के की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1 होती है, तो 1 पुट करते हैं तो क्या बन जाता है, एफ इज इक्वल टू द एम वी स्क्वायर बाई आर, जो आपका डिजायर्ड फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला आपको पढ़ने को मिलेगा आगे के चैप्टर्स में जब आप जाएंगे। सो गाइज इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशनल फार्मूलों को क्रिएट कर सकते हैं। मैं छोटा सा आपको फार्मूला क्रिएट करने के लिए दूंगा बच्चों, और वो फार्मूला आपको जाके मुझे करके दिखाना होगा कि ये फार्मूला कैसे आप जनरेट करेंगे। मैं डायरेक्ट आपको बोल दे रहा हूँ कि मान लीजिए किसी का जो अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन अल्फा, एक्सीलरेशन है कोई सा भी सिंबल हो, अल्फा लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है वेलोसिटी वी पर और रेडियस आर पर। अल्फा किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी वी पर और रेडियस आर पर। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या आपको दिया गया है होमवर्क, क्या है यहां पर आपके लिए कि आपको निकालना है सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन के लिए फॉर्मूला, और सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन अल्फा डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी वी पर और रेडियस आर पर, वेलोसिटी वी पर और रेडियस आर पर। इधर आपको क्या लिखते चलना है, अल्फा लिखते हुए चलना है, दोनों साइड में पूरा कैलकुलेशन एक जैसा होगा, केवल यहां पर मास नहीं होगा। ध्यान देंगे, एक्सीलरेशन कोई सा भी हो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी हो, एक्सीलरेशन स्मॉल ए हो या ये अल्फा हो, सब के लिए जो आपका फॉर्मूला यूज करना है डायमेंशनल फॉर्मूला, वो आपको एल टी टू द पावर माइनस टू ही यूज करना है। इसके अलावा बच्चों देखिए, ये वीडियो में तो मैंने 3 अभी तक फॉर्मूलों का डेरिवेशन दिया है आपको। अगर आपको लगता है कि कोई एक स्पेशल फॉर्मूला है वो उसका डेरिवेशन आपको जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए,
कि आप किस तरह का फॉर्मूले का डेरिवेशन चाहते हैं। इसके अलावा फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे जाके फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लीजिए। गाइज अभी एप्लीकेशन की सीरीज़ पूरी नहीं हुई है, एप्लीकेशंस की भी सीरीज़ बनी रहेगी, उन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। अगर आपका कोई लगता है कि सजेशन, सुझाव या सलाह है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि आप के लिए सही वे में मेहनत की जा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग योर एजुकेशनल चैनल एजुकेट एवरीवन।